हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन की स्टोरेज बढ़ा सकते हैं बिना कोई फाइल डिलीट किए हुए। जी, आपने सही सुना, बिना कोई फाइल डिलीट किए हुए आप अपने स्मार्टफोन की स्टोरेज 2 से 3 GB बढ़ा सकते हैं और उसका और कहीं यूज कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, आप दोनों तरीका को यूज करिएगा अपने स्मार्टफोन में। यह ट्रिक 100% वर्क करती है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। तो गाइस, आ गए हम अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर। आपको सेटिंग में जाना होगा। मैं जैसे सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा ऐप्स। मैं पहले ही से सर्च करके रखा था, मैं आपको फिर से सर्च करके दिखा देता हूँ। मेरा रेडमी का फ़ोन है, आपका जो भी स्मार्टफोन हो, सैमसंग हो सकता है, रियलमी हो सकता है, ओप्पो, वीवो, कोई भी स्मार्टफोन हो, आपको ऐप सर्च करना है या स्टॉक एंड्रॉयड हो। उसके बाद ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। मतलब ऐसे ऑप्शन में जाना है कि जहाँ सारे ऐप्स की लिस्ट आ जाए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक ऐप सर्च करता हूँ, क्रोम। क्रोम में जाने के बाद आपको देख सकते हैं, ये क्रोम ऐप है। यहाँ पे आपको 420 यानी 420 MB स्टोरेज इसने लिया है। तो आपको क्लियर डाटा के ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके नीचे आपको क्लियर कैसे दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लियर कैसे पे क्लिक कर देखिए गाइस, कितनी मेमोरी कम हो गई, आपकी स्टोरेज यानी बढ़ गई। और यहाँ पे कोई आपका डेटा भी नहीं डिलीट हुआ, फाइल्स भी नहीं डिलीट। अब आप तो एक एक ऐप के लिए तो ऐसे क्लियर कैसा नहीं कर सकते, तो मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ जिससे एक बार में सारे ऐप्स का कैसे क्लियर हो जाएगा। मैनी कैसे मेमोरी तब बनती है जब किसी ऐप को आप ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसमें कैसे मेमोरी बन जाती है। तो आपको जानना है सेटिंग में, आपको कहीं भी अपने स्मार्टफोन में स्टोरेज का ऑप्शन ढूंढना है। आप सर्च भी मार सकते हैं स्टोरेज में, हमारा स्टोरेज का ऑप्शन यहीं पे दिख गया, स्टोरेज पे क्लिक करना। इसके बाद आपको ऐसे कुछ लोड होते हुए दिख जाएगा, ये कैलकुलेट करेगा। आप देख सकते हैं ऊपर मेरी कितनी है, 7.70 GB है, 7.70 GB है अवेलेबल 32 GB में से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको देख सकते हैं नीचे कैश डेटा का ऑप्शन दिख रहा है, चौथी रो में, इसको क्लिक करना है। एक बार नहीं, बार बार क्लिक करते रहना है। देखिए गाइस, एक बार और क्लिक करिए, एक बार और क्लिक करिए, इससे क्या होगा आप देखिए क्या होता है। देखिए गाइस, ऊपर आप देख सकते हैं कैसे मेरी स्टोरेज बढ़ गई। कैश मेमोरी ये कब क्रिएट होती है, जब आप काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे सफरिंग करते हैं, इंटरनेट से चीज़ें डाउनलोड करते हैं, तो कैश मेमोरी बन जाती गाइस। ये तो मेरे स्मार्टफोन में 400 MB के आसपास थी कैश मेमोरी, लेकिन आपके स्मार्टफोन में 1 से 2 GB की कैश मेमोरी हो सकती है या इससे ज़्यादा। तो गाइस, आ गए हम अपने सेकेंड ट्रिक की तरफ। सेकेंड ट्रिक में क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको सिंपली सर्च करना होगा फाइल्स गो, देख सकते हैं ये हो गया फाइल्स गो। मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, आप पहले से आप डाउनलोड कर लीजिए। कितने लोग का मोबाइल में पहले से इंस्टॉल होगा, लेकिन ये ट्रिक उन्हें पता नहीं होगी। तो इसके लिए पहले तो आपको नेट बंद कर देना है, मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको इस ऐप में चलना है। ऊपर की तरफ आपको कन्फर्म एंड फ्री अप 304 MB का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर नीले रंग का क्लीन बटन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो जो भी आपके स्मार्टफोन में जंक फाइल होंगी वो डिलीट हो जाएंगे। जंक फाइल कोई ज़रूरी फाइल नहीं होती है, इंटरनेट यूज करने पर ये क्रिएट हो जाती है और इसका कोई यूज नहीं होता है स्मार्टफोन में, इसलिए आप इसे डिलीट कर सकते हैं। और कुछ भी आपको चीज़ें नहीं पसंद है स्मार्टफोन में, यहाँ से ईजिली डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए दबा के, बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस।